है कि महात्मा बुद्ध जो हैं उनकी अस्थियाँ कहाँ हैं वेरी इंटरेस्टिंग राइट तो यार इस वीडियो में हम पता करेंगे और उस जगह की जगह के बारे में आपको बताऊंगा सारी चीजें तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं वेलकम टू माय माईट्यूब चैनल वंस अगेन मैं रोबिंदमान आपका स्वागत करता हूं तो यार आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये वीडियो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग यार क्योंकि इसमें हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध का जो स्तूप है नेपाल के अंदर उसके क्या मिस्ट्री uh, है क्या रहस्य है और क्या uh, कैसे आप वहाँ पर जा सकते हो विजिट कर सकते हो वाई इट इज़ वर्ल्ड हैरीटेज क्यों ये वर्ल्ड हैरीटेज है क्यों सारी चीज़ें हैं ये तो हम इस वीडियो, uh, वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे नेपाल के अंदर क्योंकि जब मैं वहाँ पे गया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा सो आई विल शो यू हाउ यू कैन रीच एंड हाउ यू कैन विजिट दैट प्लेस जो सेकेंड चीज़ है नेपाल के अंदर नेपाल के जो कैपिटल है काठमांडू वहाँ पे वो है बुद्ध स्तूपा मतलब बुद्ध का स्तूप है वहाँ पे, एक डोम बना हुआ है वो एक सेकेंड टूरिस्ट अट्रैक्शन है नेपाल के काठमांडू के अंदर देखने के लिए तो वो जब भी आप जाओगे तो यू मस्ट विजिट दैट प्लेस ऑल्सो क्योंकि यार वो प्लेस जो बौद्ध बौद्धिस्ट हैं जो बौद्ध धर्म के लिए एक स्पेशल प्लेस है क्योंकि उसको यार एक तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है वो और सेकंड थिंग वो एक पिलग्रिम है मतलब पिलग्रिम मतलब एक बौद्ध तीर्थ यात्रा जिसको बोलते हैं बहुत बोध सारे बौद्धिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड वहाँ पर आके विजिट करते हैं तो वो जो जगह है वो है काठमांडू के अंदर और वहाँ पर जब नेपाल के काठमांडू में आप जाओगे तो यू मस्ट विजिट दैट प्लेस तो यार उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कैसा क्या है आप आप वीडियो बाय बाय फोटोज आप देख सकते हो जो स्क्रीन पे आ रही होगी तो उसके हिसाब से आप मैनेज कर लेना कि हाउ यू कैन प्लान दैट ट्रिप फॉर बुद्ध स्तूपा जब भी आर, यार एयर नेपाल आप जाओगे तो एक आ, आ, जो फर्स्ट आ, वीडियो मैंने बनाई थी पशुपतिनाथ मंदिर सेकेंड जो टूरिस्ट प्लेस है वो है बुद्ध स्तूपा वो आ, क्यों है वहाँ पर इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले जो महात्मा बुद्ध हैं उनका जो बर्थ हुआ था वो लुम्बिनी नेपाल लुम्बिनी जो काठमांडू के अंदर है तो वहाँ पे उनका जन्म हुआ था और इसीलिए जो ये जो टॉम्ब बनाया हुआ उन्होंने तो वो नेपाल के अंदर इसीलिए बनाया है जो उनकी अस्थियाँ हैं वो उस स्तूप के अंदर उन्होंने रख रखी हैं जी हाँ क्योंकि दिस इज़ द फैक्ट आप जाके गूगल पे भी चेक कर सकते हो जो अस्थियाँ उनकी वो उस बुद्ध स्तूपा के अंदर रख रखी हैं जो टूरिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो वहाँ पे आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और उसके लिए यार आपको एक टिकट प्राइस भी लगेगी छोटी सी जो उन्होंने नेपाल ने जो क्या कर रखा है जो शार्क कंट्रीज़ हैं जो सेवन कंट्रीज हैं लाइक साउथ ईस्ट एशिया की लाइक इंडिया श्रीलंका पाकिस्तान नेपाल जो और आ, और भी कंट्रीज़ हैं सेवन कंट्रीज़ उनको मिला के उसकी जो टिकट कॉस्ट है वो है फोर्टी नेपली रुपीस, मतलब नेपाली रुपीस, चालीस रुपये तो वो ऑलमोस्ट होगी अराउंड ट्वेंटी रुपीस मैक्सिमम, ठीक है तो आ, और जो फॉरनर्स हैं जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके लिए वन फिफ्टी नेपलीज़ रुपीज़ नेपाली रुपीज़ तो आ, उसके हिसाब से आप जब भी जाओगे तो टिकट खरीद के देन यू कैन एंटर जब आप जाओगे एक पूरा डॉम जो बना हुआ है वो पूरा जब आप जाके विजिट करोगे वहाँ पे तो यू विल फील सो आ, सो आ, फ्रेश हो देर बिकॉज यार जब वहाँ पे जाओगे तो बहुत सारे बौद्धिस्ट वहाँ पर आपको प्रार्थना करते मिलेंगे वहाँ पे ध्यान लगाए हुए मिलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी वो जो डोम के चारों तरफ आप देखोगे जो गोल है ये वैसे सर्कल तो एरिया में बना हुआ है जिसके चारों तरफ है जो एक मार्केट बनी हुई है लाइक जो तिब्बत या फिर या तिब्बत मार्केट बनी हुई है वो जब आप जाओगे तो वहाँ पर यू कैन ऑल्सो विजिट दैट मार्केट वहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हो बहुत सारी बौद्ध धर्म से रिलेटेड स्टडी मटेरियल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप, आपको वहाँ पे मिलेंगी जो शायद आपको गूगल पे ना मिले या फिर यूट्यूब पे ना मिले तो जब भी आप जाओगे तो आपको मार्केट और जो है वो जाके आप विजिट करो ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेंगे जब आप जाके उस प्लेस को विजिट करोगे वहाँ पर जाके क्या फील करते हो वट विल बी योर एक्सपीरियंस बिकॉज माई एक्सपीरियंस इज डिफरेंट वंस यू विल गो देर एक्सपीरियंस विल ऑल्सो भी डिफरेंट सो दिस इज़ द थिंग जब आप वहाँ पे जाओगे तो टिकट वहाँ पे पहुँचने के लिए यार क्योंकि सेंटर ऑफ द सिटी इफ टॉक अबाउट तो वो आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट सिक्स टू सेवन किलोमीटर के आसपास सो बाय कैब वहाँ आप वहाँ पर जा सकते हो नेपाल के अंदर यार मैं एक बार फिर बता दूँ मेट्रो नहीं है uh, आप सिंपली कैब बुक करो या फिर uh, बुद्धिज़म से जो रिलेट करते हैं या फिर जिसको भी बुद्धिज़म के बारे में कुछ जानना है या नहीं भी जानना तो सारे टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं क्योंकि वो सेकेंड uh, टूरिस्ट अट्रैक्शन है बिग टूरिस्ट अट्रैक्शन है नेपाल के काठमांडू के अंदर वहाँ पे जाने के लिए आप आ, उस एक कैब करनी पड़ेगी कैब करके आप वहाँ पे जा सकते हो इजीली। वहाँ पर छोटी सी टिकट प्राइस भी लगती है बुद्ध स्तूपा यार बुद्ध स्तूपा इसीलिए क्योंकि वहाँ पे महात्मा बुद्ध जो हैं उनकी अस्थियाँ उस टोम्ब के अंदर रखी हुई हैं तो वो प्लेस आ, जब आप जाके विजिट करोगे सो यूल फील वेरी स्परिचुअल ओवर दे क्योंकि बुद्धिज़्म से रिलेटेड बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं बहुत सारे वहाँ पे लोग आके प्रार्थना करते हैं जब आप जाओगे तो यू मस्ट विजिट दैट प्लेस और तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ बुद्धिज़म एंड व्हाई सो मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड कमिंग ऑन दैट प्लेस क्योंकि वर्ल्ड यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज इसको भी डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को ने तो एक छोटी बात नहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है तो वंस यूल गो टू कार्टून हाँ तो फ्रेंड्स महात्मा बुद्ध ने पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है जो बुद्धज़म है वो सिर्फ इंडिया या फिर नेपाल तक ही सीमित नहीं है बहुत सारी एशियन कंट्री जैसे जापान चाइना और थाईलैंड में बहुत सारा बहुत सारे बौद्ध्म के लोग वहाँ पर रहते हैं बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं अभी भी ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो बुद्धिज़म के अंदर जो उनको फॉलो करते हैं अभी भी लोग उनको बहुत सारे फॉलो करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि यार उन्होंने बहुत सारे लोगों की जीवन में जो खुशियाँ लेकर वो आए थे उस टाइम पे उन्होंने बहुत सारे जो भी जगह जहाँ जहाँ पे वो गए उन्होंने अपना बौद्धिज्म को स्प्रेड किया तो ये सारी चीज़ें जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपको वहाँ पे जाके पता चलेंगी और नेपाल में ये जो बौद्ध स्तूपा है इंटरेस्टिंग चीज़ है इंटरेस्टिंग प्लेस है मस्ट विजिट प्लेस है और जो महात्मा बुद्ध की लाइफ के बारे में जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी हैं लाइफ में ये सारी चीज़ें आप आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी ये सारी चीज़ें जब आप वहाँ पर जाओगे विजिट करोगे तब आपको यू विल फील लाइक वट इज़ बोधिज़्म एंड वट इज़ महात्मा बुद्ध तो uh, क्योंकि किसी भी uh, जो स्पेशल चीज़ होती है जैसे यूनेस्को ने इसको uh, एक वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया है तो वो ऐसे ही नहीं किया है क्योंकि बहुत सारा इंटरेस्टिंग फैक्ट उससे जुड़े हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं जो कि जब आप जाओगे उसको पता चलेगा तो हर एक चीज़ का एक स्पेशल इफेक्ट होता है हर एक चीज़ का एक स्पेशल प्लेस होता है क्योंकि जब भी आप वहाँ पर जाके विजिट करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो महात्मा बुद्ध के लाइफ से जुड़ी हुई थी और बुद्धिज़म के बारे में भी हम आप, आपको वहाँ पे जाके पता चलेगा तो पर्पस मेरा यही था वीडियो बनाने का क्योंकि जब भी आप नेपाल के लिए प्लान करो तो यू शुड विजिट दिस प्लेस तो अवेलेबल नहीं है और ट्रेन भी वहाँ पे नहीं चलती क्योंकि पहाड़ी एरिया है इसीलिए ये यह पॉसिबल नहीं हुआ अभी तक तो आप बाई कैब वहाँ पर जा सकते हो एंट्री टिकट्स का प्राइस मैंने आपको बता दिया है जब जाओगे आप तो आप जाके मार्केट भी विजिट कर सकते हो क्योंकि उसके चारों तरफ मार्केट है मार्केट या विजिट करो इफ़ यू वॉन्ट टू बाई एनी और इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट द बोधिज़्म सो डेफिनेटली यू शुड विजिट एंड यू शुड गो देयर सो दिस इज़ द थिंग अबाउट द टॉम क्योंकि जो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो है लुम्बिनी में लुम्बिनी भी नेपाल के अंदर ही है लुम्बिनी भी अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आप मस्ट प्लेस विजिट है क्योंकि तो वहाँ पर उनका जन्म हुआ था वो जन्म स्थल वहाँ पे उन्होंने एक डोम भी बनाया हुआ है बट यहाँ पे जो जिस प्लेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है बुद्ध स्तूपा यहाँ पे उनकी अस्थियाँ रखी हुई हैं और उन अस्थियों के ऊपर उन्होंने एक डोम बना रखा है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है टूरिस्ट जो एरिया है इनका नेपाल का यानी यू मस्ट विजिट दैट प्लेस तो यार इसके बारे में अगर किसी को कुछ पूछना है कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है देन यू कैन प्लीज़ कमेंट बिलो और अगर वीडियो अच्छी लगे यार इसको तो प्लीज़ शेयर कर देना यार ओके सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेपाल की इन दैट वीडियो विल टॉक अबाउट पोखरा पोखरा यार एक ऐसा प्लेस है जो कि uh, नेपाल जो काठमांडू है काठमांडू जो दूर, दूर पड़ता है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे टिल देन यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच बाय बाय